ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर। मनुष्य की देह मिली थी और भोग और विलास में निकाल लिया। मानव के शरीर को पाकर भी हम भगवान का गुणगान नहीं कर पाए, मानव का शरीर पाकर भी हम भगवती स्मरण नहीं कर पाए। हाँ, संसार का स्मरण जरूर किया, एक नव विवाह था जिसकी अभी शादी हुई है। उसके पति ने उसको एक लाकर एक सुंदर सी नथनी दे दी, बड़ी सुंदर, और वो नवविवाहिता उस नथनी को पहनकर पूरे परिवार में, कुटुंब में, मोहल्ले में, नगर में सबको बता रही कि ये मेरे पति ने दी है। महाराज, नथनी दी मेरे यार ने, सिमरती बारम बार। कबीरदास जी लिखते हैं कि एक नथनी मिली है जो उसके पति ने दी है, उसके स्वामी ने दी है, उसके यार ने दी है, तो वो सिमर रही है बार बार, सबको कह रही है कि ये मुझे मेरे पति ने दिया है, ये मेरे परिवार वालों ने दिया है, ये मेरे मेरे अपने ने दिया है। कि नथनी दी मेरे यार ने, सिमरती बारम बार। नाक दी कर तार ने, तो बोली नहीं एक बार। अरे केवल नथनी दी तो तूने जगत में कह दिया, पर वो करतार अगर नाक ही देकर नहीं भेजता तो क्या कर लेती। एक बार उसको भी तो धन्यवाद दे कि तूने मुझे शरीर अच्छा दिया, मेरे हाथ दिए, मेरे पांव दिए, मेरे नयन दिए, मेरे नेत्र दिए, तूने मुझे श्रवण शक्ति दी, सारी इंद्रियों से मुझे पूर्ण तरह से संतुष्ट कर तूने मृत्यु लोक में भेजा है पूर्ण तरह। आज तूने मुझे जो दिया वो कुछ कम ना दिया। कल कथा में कहा था, ये जायदाद दी है ये औलाद दी। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। उसकी कितनी दया, उसकी कितनी कृपा, उसकी कितनी उदारता है। रोज उसको धन्यवाद दो, कितनी कृपा करी तूने। संसार में जन्म दिया, उस जन्म को सार्थक करने के लिए तूने कथा सुनाने के लिए मुझे यहां बिठा दिया। तूने जिंदगी को सार्थक कराया, जीवन को तूने सार्थक किया, कमाया, खूब कमाया, आखिरी में यहीं छोड़ दिया, उसका कोई लाभ नहीं। हमने दुनिया में कई लोगों को देखा, कई तो कमाने के बाद चौकीदारी करते हैं। दुनिया के कई लोग हैं जो कमाकर तिजोरी में भरते जा रहे हैं, रात रात भर नींद नहीं आ रही है, और उसके लिए केवल रात भर चौकीदारी कर रहे हैं। कमाई का जो सही सदुपयोग कर सके, वही समझ लो कि संसार में आकर उसने सार्थकता का जीवन जिया। दो रोटी भी उसने दी तो उसको प्रेम से पाया, जो वस्त्र दिए, आभूषण दिया, उसको धारण किया, जो दिया उसने, उससे हमें संतुष्टि का अनुभव होना चाहिए। पर करें क्या महाराज, मन और मसान कभी नहीं भरा। मन में वस्तुओं की चाह बनी रहती है, उसी तरह मसान में मुर्दे ले जा ले जाकर जलाते जाओ, मसान खाली की खाली है, मन भी खाली है और मसान भी खाली है। जब जाओगे ये खाली ही मिलेगा। भगवान ने जो दिया उसमें संतुष्टि पूर्ण हो ही नहीं पाई।
उसमें तृप्ति पूर्ण हो नहीं पाई। महाराज मंदिर में जाकर कभी भगवान से भी कहो कि तेरी कृपा इतनी है, तूने दया इतनी करी है, उसी का प्रताप है जो आज मैं बैठकर कथा कर रसतत्व ग्रहण कर रही हूं। तूने जो इंद्रियां दी हैं उसी के बल पर मैं भगवान का भजन कर रही हूं, उसको धन्यवाद। कल कथा में वर्णन आया था बड़ा सुंदर कि राजा बलि के दरवाजे पर वामन भगवान भिक्षा मांगने के लिए गए। अब भगवान को मालूम है कि ये राक्षस है राजा बलि, ये असुर प्रवृत्ति का है, राक्षस प्रवृत्ति का है, फिर भी भगवान उस राजा बलि के दरवाजे पर भिक्षा मांगने जा रहे हैं। जब सबको मालूम है कि दरवाजे पर कुछ मिलेगा ही नहीं, फिर भी भगवान क्यों जा रहे हैं? दरवाजे पर क्यों पहुंच रहे? उसका एक सुंदर सा चरित्र है महाराज। एक बहुत बड़ा जुआरी था, जुआ बहुत खेलता था और जितनी बार जुआ खेलने बैठता था उसमें हारता था। बहुत बड़ा जुआ खेले उसमें हारे। अब उसके मन में आया कि मैं सारे जुए में सामान हार गया हूं, मेरे पास में कुछ लगाने के लिए नहीं है। तो जुआरी ने विचार करा कि क्यों ना मैं थोड़ा सा एक बार और प्रयास करता हूं, कहीं से थोड़ा सामान लेकर आता हूं, उसको जुए में लगा देता हूं। पहुंच गया एक ब्राह्मण के घर में। और एक ब्राह्मण के घर में गया तो वहां पर ब्राह्मण आसन पे बैठते थे, उनके पास में कमंडल था, एक आसन था, एक छाता था, पादुका थी, और वो जुआरी उस ब्राह्मण के घर में से जाकर ये चार चीजें चुरा कर ले आया और जुए में उसने लगा दिया। मित्रों ने पूछा क्यों भैया जुए में क्या लगाओगे? तो कि मेरे पास में छाता रखा है, पादुका रखी है, आसन रखा है, कमंडल रखा है, ये चार चीज मैं जुए में लगाता हूँ। चारों ने सोच लिया कि आज तो फिर हारेगा ये, लगाओ। तो चारों मित्र जो जुआ खेलने बैठे थे उन्होंने अपनी पूरी जायदाद, पूरी सत्ता उन चार चीजों के लिए लगा दी। और आज कुछ हरि कृपा ऐसी हो गई कि वो चारों का जो धन था आज वो ये जुआरी जीत गया। आज वो जीत गया। अब जीत गया तो धन तो आ गया, इतना करोड़पति बन गया, इतना धनपति बन गया कि इसके तीन मित्र बन गए। और जिसके पास में धन जब बढ़ने लगता है, रुपया बढ़ने लगता है, और वो रुपया जब सत्कर्म में नहीं लगता, दान पुण्य स्मरण में, भगवान के भजन में, कीर्तन में, कथा में, भक्ति में नहीं लगता, तो वो धन गलत जगह पर लगना प्रारंभ हो जाता है। कहीं घर के बच्चे मदिरा पान में डूबना चालू हो जाएंगे, कहीं घर के बच्चे मांसाहार में डूबना चालू हो जाएंगे, कहीं घर के बच्चे व्यसन में डूबना प्रारंभ हो जाएंगे। जिस दिन तुम्हारे घर के बच्चे व्यसन में डूबना चालू हो जाएं, जिस दिन तुम्हारे घर के बच्चे मदिरा पान मांसाहार वेश्यावृत्ति और जुए में बैठना चालू कर दें, उस दिन समझ लेना कि घर में धन तो बहुत आ गया, उस धन को सदुपयोग में नहीं लगा पाए, इसलिए धन गलत रास्ते से निकलना प्रारंभ कर दिया। वो धन गलत जगह से जा रहा है, उस धन को संचित कर कहीं सत्कर्म में लगाने का प्रयास करिए।